इधर देश भर से भगवान रामलला के लिए भोग पहुंच रहा है तिरुपति के लड्डू के साथ ही लखनऊ के एक राम भक्त ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 56 भोग का प्रसाद समर्पित किया है। भगवान राम के लिए ये 56 भोग का प्रसाद है। 56 भोग के प्रसाद को मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के आवास पर पहुंचा दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें ये 56 भोग लाया जाएगा। रामलला को भोग लगाने के बाद इसे भक्तों के बीच बांट दिया जाएगा। ये 56 तरीके की व्यंजन है जो हम मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ से लाए हैं। महन जी का आदेश था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को पहला प्रसाद जो चढ़ेगा वो हमारे यहाँ का चढ़ेगा, तो महन जी के आदेश पे हम लखनऊ से प्रसाद लेकर आए। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख के, उसके बाद जो प्रथम भोग लगेगा उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। वहाँ इसको फिर उसके बाद वहाँ वितरण किया जाएगा। लखनऊ के व्यापारी सजल गुप्ता नाम के राम भक्त ने इसे भेजा है। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम ने भी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भोग के लिए 1,00,000 लड्डू भेजे। अयोध्या में आज ये लड्डू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। ये प्रसाद भी श्रद्धालुओं के बीच बांटे जाएंगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 8वीं बार पैरोल पर रिहा किया गया है। इससे पहले उसे नवंबर में भी पैरोल मिली थी। राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल दी। गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम यूपी के बागपत के बरनाला आश्रम पहुंचे। वीडियो जारी करते हुए भक्तों को संबोधित किया, साथ ही ये भी कहा कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए। आप जहां हैं वहां से खुशियां मनाइए, यूपी आने की जरूरत नहीं है।